हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म से अपवर्तन पे बात करी थी। ठीक, आज अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसी को थोड़ा सा और आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म पर अपन लोगों ने क्या बात करी थी? रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म पर अपन लोगों ने देखा था कि अगर सपोज मेरे पास कोई भी एक प्रिज्म है, ठीक है, अपने पास कोई भी एक प्रिज्म है ए बी सी, और यहां पर कहीं पर अपन लोगों के पास ये था एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण। अपने पास इस तरीके से एक रे आई थी, प्रकाश की किरण आई थी, ठीक है ना, जिसको अपन लोगों ने एक तरीके से इंसिडेंट रे, आपतित किरण बोला था कि नहीं बोला था। ठीक, अब जैसे ही ये वाली रे बाहर का अपवर्तनांक, अपन लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 बाहर का मीडियम वगैरह विरल और अंदर का मीडियम टेंसर में, जैसे वो ए बी अंतराप्रस्थ पर, ए बी इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो किसको ढूंढती है? सबसे पहले नॉर्मल को, ठीक, और फिर ये अपन लोगों के पास हो गया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर अब ए और बी अगर इंटरफेस नहीं होता तो ये रे बिना डायवर्ट हुए सीधे पास हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इंटरफेस होने की वजह से किधर की तरफ बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है कि नहीं होती है? और इधर की तरफ मूव कर जाती है इस तरीके से। और फिर जैसे ही ए सी इंटरफेस पर, अंतराप्रस्थ पर आकर गिरती है, फिर वापस एक नॉर्मल ढूंढते हैं इस तरीके से। अगर एसी इंटरफेस नहीं होता तो ये बिना डायवर्ट हुए बिल्कुल सीधे निकल जाती इस तरीके से। लेकिन अब डेंसर से किसमें जा रही है? रेयरर। सघन से किसमें जा रही है? विरल में। तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये था N2, ये था N1, और इस तरीके से दूर हटके इधर कहीं निकल जाती है। और ये एंगल था अपन लोगों के पास, ठीक, और ये जो था अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या थी? निर्गत किरण थी कि नहीं थी? इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे, ठीक है ना। और ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण। और ये एंगल आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट, या इमर्जेंट एंगल बोल देते डायरेक्ट, ठीक है ना, निर्गत कोण। अभी बस में अब रे को जाना तो सीधा था और गई किधर? इधर। जाना तो सीधा था लेकिन गई किधर? इधर। तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर मैं डेविएशन देखूं कि कितना विचलन हुआ टोटल, तो ये विचलन क्या करूंगा मैं? एक तरीके से इस जो रे इधर निकल गई इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दूं। अब जाना था सीधा, जाना था सीधा लेकिन गई इधर, तो फैक्ट जो टोटल डेविएशन हुआ वो यहां से लेके यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? और यही अपन लोगों के पास क्या? एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, जो अपन लोगों को यहां पर कैलकुलेट कराया अपन लोगों ने थ्रू आउट, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। और यही अपन लोगों ने कैलकुलेट कराया थ्रू आउट पूरे लेक्चर में। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अपन लोगों ने क्या क्या डेटा आया था इसमें? एक डेटा तो अपन लोगों के पास ही आया था कि ए इक्वल टू आपके पास हो जाएगा R1 + R2। अभी बस में कौन कौन सा ट्राइंगल लिया था इसको अपन ने? PQRS, याद करो अपने ट्राइंगल AQR दिया था, फ्रॉम ट्राइंगल AQR से अपन लोगों ने इसको सॉल्व करा था कि नहीं करा था? ठीक, उसके बाद फिर अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो सम होता है डेविएशन का और एंगल ऑफ प्रिज्म का, ठीक है ना, द सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस, या फिर द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंट एंगल। आई बस में अपन ने यहां पे क्या बात करी थी कि अपन लोगों के पास एक तरीके से विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योग हमेशा बराबर होता है किसके? आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। एक अपन ने ये बात करी थी। फिर अपन लोगों ने बात करी थी फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन के लिए बात करी थी। और अपन न्यूनतम विचलन के लिए बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। अगली बात समझे आप लोगों को, इट मीन्स आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। और ये कब होगा? अपन लोगों ने देखा था कि क्यू आर पैरेलल होना चाहिए किसके? बी सी के। मतलब जो क्यू आर लाइन है वो अगर बी सी लाइन के समानांतर है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे कि उस कंडीशन पे अपने पास न्यूनतम विचलन की स्थिति आ जाएगी और आई इक्वल टू अपन लोगों के पास कितना हो जाएगा? ई। और अगर I इक्वल टू E है तो अपन लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था? R1 और R2 की एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। और अपन लोगों ने R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना लिया था? R।
फिर अपन ने इसको सॉल्व करा था, सॉल्व करने पर अपन लोगों के पास एक तरीके से रिलेशन आया था एन टू वन इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय टू अपॉन में साइन ए बाय टू। एक अपने पास ही जिसको अपन प्रिज्म फॉर्मूला भी बोलेंगे आगे जाके, क्या बोलेंगे अपन इसको, प्रिज्म फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला अपन लोगों के पास वैलिड है, कब तक वैलिड है, व्हेन प्रिज्म एंगल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 डिग्री। मतलब अपन ये वाला फॉर्मूला कब तक अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे तब जब आप लोगों के पास प्रिज्म कोण का मान 10 या 10 से बड़ा, आप लोगों के पास 10 डिग्री के से बड़ा या 10 डिग्री के क्या होना चाहिए, आप लोगों के इक्वल होना चाहिए। आगे पास में, और याद करो अपन लोगों ने यही कंडीशन लिख के बोला था कि अगर सपोज यदि प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से कम है, अगर छोटा है, तो अपने पास जो फॉर्मूला आया था वो मिनिमम डेविएशन का कितना आया था, डेल्टा एम इक्वल टू वो आया था अपने पास एन टू वन माइनस वन इन टू ए। इस तरीके से अपन लोगों के पास, तो अगर आपके पास प्रिज्म कोण का मान 10 डिग्री से कम है तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर 10 डिग्री से ज्यादा है या इसके इक्वल है तो फिर अपन को कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरीके से अपन लोगों ने प्रिज्म रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म के थ्रू, ठीक ना, प्रकाश से अपवर्तन के द्वारा अपन लोगों ने लाइट के जो प्रकाश की किरण है उसके विचलन को क्या करा था, अपन लोगों ने यहां पर ज्ञात करा था, कैलकुलेट करा था। आई बात समझ में आप लोगों को। अब आपको ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहां पे देखूं कि जो अपने पास डेविएशन है, ठीक है ना, तो जो डेविएशन है वो किन किन फैक्टर पर, किन किन पैरामीटर पे, ठीक है ना, किन किन कारकों पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो देखो जो डेविएशन है, डेविएशन के साथ एन टू वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, डेविएशन के साथ एन टू वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट मीन्स सिंपल सी बात है कि एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, अपवर्तनांक पे निर्भर करेगा। इट मीन्स जो आप लोगों के पास लाइट का डेविएशन है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण का जो विचलन है वो प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। इट मीन्स अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो अपन लोगों के पास डेविएशन ऑफ लाइट है वो डिपेंड करेगी किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पर। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया, पहला कारक तो ये हो गया कि जो आप लोगों के पास डेविएशन है वो किस पर, कभी कभार पूछ लेता है एक नंबर में आधे नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो आपका अगर प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसी कंडीशन पे जो डेविएशन है, जो विचलन है, वो किन किन फैक्टर पे, किन किन कारकों पे निर्भर करता है बताइए। तो पहला तो किस पर निर्भर करेगा, अपवर्तनांक पर। किसका अपवर्तनांक है, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक है। अरे बस मैं आप लोगों को ठीक, किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। सेकंड अगर आप देखोगे तो क्या रहा है आप लोगों के पास, प्रिज्म एंगल, तो किस पर डिपेंड करेगा, प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करेगा, प्रिज्म कोण पर निर्भर करेगा। अरे बस में अब देखो फैक्ट है ना कि अगर प्रिज्म एंगल चेंज होते ही, देख लो आप लोगों के फॉर्मूला चेंज हो गया, केवल एंगल चेंज होती है, अपन लोगों ने अगर मिनिमम है तो ये यूज कर लेंगे, मैक्सिमम है तो ये यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो किस पर डिपेंड करेगा पर आप लोगों के पास, प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करेगा, ठीक। और नेक्स्ट किस पर डिपेंड करेगा, नेक्स्ट डिपेंड करेगा आप लोगों के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, क्योंकि डेल्टा, ठीक है, इसको उधर लिख रहा हूं तो माइनस है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए। तो जो विचलन है, जो डेविएशन है, वो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। तो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन लोग क्या देखते हैं कि जो अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण है, वो एक तो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, और साथ में आपतन कोण पर निर्भर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करता है, और साथ साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। देखो इसको एक बार, ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन करते हैं अपन इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर वन देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो आप लोगों को मिनिमम डेविएशन, मतलब वो ये कहना चाहता है कि आप लोगों के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल का मतलब समझ गए ना, जिसके सारे कोण एक जैसे हो, ठीक है ना। इट मीन्स अगर मैं कोई भी प्रिज्म ले रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी प्रिज्म, आप सारे एंगल एक जैसे, तो फैक्ट है वो तभी तो पॉसिबल होगा जब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास यहां पे अगर मैं बात करता हूं फोर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास जो प्रिज्म कोण होगा उसका मान कितना जाएगा, मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो फैक्ट है अब ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री वाला फॉर्म,
वाला फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई करूंगा और मेरे पास मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन मुझे कितना दे रखा है, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू मुझे दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री आ गई पास में। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना ए ग्रेटर देन है किससे, 10 डिग्री से। तो फैक्ट है जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा वो यूज करूंगा N21 इक्वल टू मेरे पास एक तरीके से कितना हो जाएगा देखना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय टू अपॉन में साइन ए बाय टू। तो ऐसी कंडीशन पे अब यहां पे कितना जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री अपॉन में टू अपॉन में साइन 60 अपॉन में टू। तो अपन लोगों के पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी आप लोगों के पास साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ठीक है ना, ये बाई टू से बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी जाएगी √3। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास यहाँ पे देखना आप लोग N21 इक्वल टू कितना आया √3। अब आपको पता है कि N1 बाहर वाला मीडियम होता है, N2 अंदर वाला मीडियम है। अपन मान लेते हैं कि इसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N, और बाहर तो अपन हमेशा क्या लेके चलते हैं, एयर लेके चलते हैं कि नहीं चलते ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे N अगर वो आपको कुछ नहीं बोल रहा है इट मीन एयर में ही रखा है, अगर वो आप लोगों को बोलते हैं कि इस मीडियम में रखा है तब अपन लोगों को सोचने की जरूरत है ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे N21 को क्या लिख सकता हूं, N2 अपॉन में N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। ऐसी कंडीशन पे कितना हो जाएगा NP बोल देता हूं, P मतलब प्रिज्म अपॉन में कितना हो जाएगा NA इक्वल टू कितना हो जाएगा √3। अब NA की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 1, तो अपने पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी NP इक्वल टू √3। आई नहीं आई बात समझ में, देखो जल्दी से एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शो मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। अपन लोगों के पास क्या दे रखा, वही एक समभुज त्रिभुज का प्रिज्म दे रखा इस तरीके से, मतलब इट मीन्स ये भी कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये भी हो गया 60, तो ये भी हो गया 60। तो मेरे पास A इक्वल टू तो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब फैक्ट है कि A ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री वाली कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे ठीक। उसके बाद अपन लोगों को मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन कितना दे रखा है, न्यूनतम विचलन अपन लोगों को दे रखा है एक तरीके से 30 डिग्री। तो अपन लोगों को प्रिज्म में क्या ज्ञात करना है, जो लाइट है उसका स्पीड मतलब उसकी चाल ज्ञात करनी है कि प्रिज्म में जो प्रकाश की किरण होगी उसकी चाल क्या होगी, मतलब अपन को वी कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो देखना आप लोग, तो एज इट इज वही प्रिज्म फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, यूजिंग प्रिज्म फॉर्मूला। अब प्रिज्म फॉर्मूला आप लोगों के पास कितना होता है, वही N21। तो ये तो क्या आप लोगों के पास N2 इक्वल टू N और N1 इक्वल टू कितना लेना है अपन लोगों को NA। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A बाय टू अपॉन में साइन A बाय टू। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास कितना हो जाएगा N2 अपॉन में N1 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी है अपन लोगों को डेल्टा मिनिमम की वैल्यू देने की 30 डिग्री, तो जाएगा 30 प्लस 60 अपॉन में 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा साइन A बाय टू, साइन A बाय टू मतलब 60 बाय 2। तो ऐसी कंडीशन पे अभी कितना जाएगा यहां पर N अपॉन में NA इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2 अपॉन साइन की कितनी जाएगी 1/2। तो ये √2 तो नीचे आ जाना है और ये 2 किधर चला जाना है ऊपर। तो ऐसी कंडीशन पे एन ए की वैल्यू कितनी होती है 1, देन एन इक्वल टू कितना जाएगा 2 अपॉन में √2। तो वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये तो एन की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास ये एन की। अब आपको ध्यान से देखना, आप सबको पता होता है कि N इक्वल टू सी अपॉन में V होता है, याद करो अपन लोगों ने जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट करा था और रिफ्रैक्शन में जब अपन लोगों ने अपवर्तनांक की डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करा था तो अपन लोगों के पास N इक्वल टू कितना था सी अपॉन में V। अब देखो सी आपको पता है, N आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो V कैलकुलेट कर सकते हैं, देन V इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा कितना सी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ऐसी कंडीशन तब सी की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है, 3 × 10^8 अपॉन और एन, एन की वैल्यू कितनी है √2, ये हो गया √2। जैसी कंडीशन पे बी इक्वल टू कितना जाएगा 3 × 10^8 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4 होती है कि नहीं होती है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे यहां से पॉइंट हट के ऊपर क्या लग जाएगा 0, आओ इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। तो v इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है ना, 2 पॉइंट आ जाएगा, फिर 1 लग जाएगा, ठीक है ना, 2.1 और फिर देख लेंगे अपन, तो ये 10^8 मीटर पर सेकेंड आप लोगों के पास 2.18 बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना, 8 तक सॉल्व होगा ही, तो 2.1 × 10^8 मीटर पर सेकेंड ये अपन लोगों के पास क्या जाएगा प्रिज्म में जो इस लाइट है उसका क्या निकल के जाएगा अपन लोगों के पास स्पीड निकल के जाएगा, मतलब प्रिज्म में एक तरीके से प्रकाश किरण का क्या निकल जाएगा अपन लोगों के पास वेग निकल जाएगा। आई नहीं आई बस सुनने, देखो जल्दी से एक बार, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब आप लोग, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। अपन लोगों को यहाँ पे क्या करना है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। अपन लोगों को एक समभुज प्रिज्म दे रखा है, ठीक, और उसका अपवर्तनांक अपन लोगों को दे रखा है कितना √3। तो अपन को एन का वैल्यू गिवन है, तो एन इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है √3, ठीक, और अपन लोगों के पास इक्विलेटरल है, समभुज त्रिभुज है, ठीक। तो अपन लोगों के पास ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कंडीशन अभी भी यहां पे क्या लग रही है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिग्री वाली कंडीशन लग रही है। तो ऐसी कंडीशन पे एन इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे साइन ए की वैल्यू, साइन एन की वैल्यू, अभी देखो एन अपन लिखते हैं n21, अब n21 को मैं क्या लिख सकता हूं, n2 अपॉन में n1 लिख सकता हूं। अब n2 आप लोगों के पास कितना n, और n1 कितना होता, n1 कितना हो जाएगा a, और n a की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अपन लोगों ने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, डायरेक्ट अपन लोगों ने इसको क्या लिख दिया था, यहां पर n लिख दिया था, इस तरीके से आ गई ना बात समझ में, ठीक। अब यहां पे वैल्यू कितनी जाएगी, यहां पे तो जाएगा √3 और यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री अपॉन में 2, और यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे बस मैं ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, यह आ जाएगा √3। अब आप देखो यहां पे दोनों साइन है ना, तो फैक्ट है यहां पे भी साइन होगा। अब साइन की √3 वैल्यू अगर मैं बात करूं, ठीक, या फिर इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री अपॉन में 2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती कि नहीं होती, तो ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आ जाएगा आप लोगों के पास √3 इक्वल टू 2 sin, और यहां पर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री अपॉन में 2 हो जाएगा। इस 2 को नीचे लेके आ जाओ तो आप लोगों के पास यहां पर हो जाएगा √3/2, ठीक है ना, √3/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब साइन √3/2, अगर मैं √3/2 की बात करूं तो √3/2 कहां पर होता है 60 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 होगा कि नहीं होगा साइन, तो अब साइन से साइन हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, ठीक, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, और ए की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है प्लस 60 डिग्री प्लस इधर आके माइनस। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो न्यूनतम विचलन आएगा, मिनिमम डेविएशन आएगा, वो आप लोगों के पास एक तरीके से कितना जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन अपन लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन करा था वो बिल्कुल अपन लोगों को ये दे रखा था, ठीक है ना, मिनिमम डेविएशन दे रखा था, इक्विलेटरल प्रिज्म था, तो अपन लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करा था, तो देखो वो √3 आया था आप लोगों के पास। आई बात समझ में, देखो इसको एक बार, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म
फ्रॉम एयर अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ द प्रिज्म एंगल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। ठीक है ना, वो क्या कहना चाहता है कि आप लोगों के पास एक तरीके से समभुजाकार, ठीक है ना, अपन लोगों के पास एक प्रिज्म है, ठीक है। अब समभुज मतलब अगर मैं बात करूं तो समभुज त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसके सारे एंगल कितने हो 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अपने पास एक तरीके से जो प्रिज्म है उसके सारे एंगल बिल्कुल, सारे एंगल जो कोण है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो फैक्ट है कि अपन लोगों के पास जो प्रिज्म कोण होगा, जो प्रिज्म एंगल होगा, वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। वो हवा से प्रिज्म में क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है ना, हवा से प्रिज्म में प्रवेश करता है और मिनिमम डेविएशन करता है, न्यूनतम विचलन करता है। और यहां पर अपन लोगों को बताते हैं कि जो आपतन कोण है, जो आपतन कोण है वो प्रिज्म कोण का 3/4 टाइम है। मतलब जो अपन लोगों के पास आपतन कोण है वो प्रिज्म कोण का कितना है, 3/4 टाइम्स है, इतने गुना है। अगली बात सुनने आप लोगों को, तो ऐसी कंडीशन पे I इक्वल टू आप लोगों के पास यहां पर कितना जाएगा, I इक्वल टू आप लोगों के पास यहां पर जाएगा 3/4 इंटू ए की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 60 डिग्री, एक ही नहीं है, अगली ना बस में, ये से कितने टाइम गया, ये से गया 2 टाइम, ये से कितने टाइम गया 30 टाइम, ये से कितने टाइम गया 15 टाइम। तो I इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और अब आप सबको पता था कि किसकी कह रहा है, न्यूनतम विचलन। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 + R2, और मिनिमम डेविएशन के केस में R1 + R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना होता है R। तो ऐसी कंडीशन पे A इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 2R, देन R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास A/2, तो कितना जाएगा 60 डिग्री/2। तो ऐसी कंडीशन पे R इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे यूजिंग स्नेल लॉ, स्नेल के नियम से, ऐसी कंडीशन पे N2/N1 इक्वल टू sin I/sin R, तो N2 तो N लिख दू, N2 इक्वल टू N, और ये क्या होता है एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक, अपॉन में N1 किससे होता है, NA हवा से होता है, तो NA इक्वल टू sin 45 डिग्री अपॉन में sin 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसी कंडीशन पे n इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, n इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा 1/√2/1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एज इट इज ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/√2। तो ऐसी कंडीशन पर n की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई, n की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई √2, अपवर्तनांक कितना गया √2। अब n आपको पता होता है n का वैल्यू कितना होता है, n का वैल्यू होता है C/V इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। ऐसी कंडीशन पे V इक्वल टू कितना जाएगा C/√2। अब C की वैल्यू कितनी होती है 3×10^8 अपॉन में कितना गया √2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 2.1×10^8 m/s। ये प्रिज्म में, ठीक है ना, प्रकाश किरण लाइट जो अपने पास रे ऑफ लाइट है उसका क्या होगा अपन लोगों के पास वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, या स्पीड होगा, या फिर अगर मैं बात करूं तो चाल होगी। अगली बात समझ में, देखो इसको जल्दी से एक बार, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बेटा। तो अपन लोगों को यहां पे क्या करना है, अपन लोगों को यहां पर एक तो न्यूनतम, मतलब न्यूनतम विचलन ज्ञात करना है, और साथ ही साथ अपन लोगों को आपतन कोण ज्ञात करना है। इट मींस एक तो अपन लोगों को डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट करना है, साथ में अपन लोगों को एक तरीके से आई कैलकुलेट करना है, आगे क्लास में। और अपन लोगों को एक प्रिज्म दे रखा है, और वो ये बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण उस प्रिज्म में से पास होती है तो न्यूनतम विचलन करती है, और उस प्रिज्म का अपवर्तनांक आप लोगों को दे रखा है कितना, 1.5 दे रखा है, और जो प्रिज्म कोण दे रखा है आप लोगों को कितना दे रखा है, 60 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है, इसको अपवर्तक कोण भी बोलते हैं, और जिसका वैल्यू कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो हो सकता है कभी कभार वो प्रिज्म एंगल यूज ना करके क्या यूज कर ले, रिफ्रैक्टिंग एंगल यूज कर ले, तो आप लोगों को वो ए की वैल्यू दे रखी है। अब बात कर रहे हैं किसके लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए, न्यूनतम विचलन के लिए बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है? तो आप सबको पता होता है फॉर मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन के लिए आई इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू होता है,
और R इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है a बाय टू होता है। आगे बात समझ आओ आप लोगों को, तो देखना आप लोग सबसे पहले अपन I कैलकुलेट करते हैं फिर डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे वही यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक ना, यूजिंग स्नेल्स लॉ, और स्नेल लॉ क्या बोलता है आप लोगों के पास एन टू अपॉन में एन वन इक्वल टू कितना जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो आर आपके पास कितना a बाई टू और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन में टू, तो r इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और n1, n1 आप लोगों के पास कितना होता है बार बार में a की बात कर रहे हैं, n के इक्वल टू वैल्यू कितनी है 1, और यहां पर अपन लोगों के पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये हो जाएगा एक तरीके से 1.5 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय 2, तो मैं इसको लिख देता हूं 1.5 इक्वल टू साइन आई। अब 1 बाय 2 को मैं 0.5 भी तो लिख सकता हूं, फिर इसको इधर ले जाओ, देन साइन आई इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इनटू 0.5, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन पे साइन आई इक्वल टू हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पर आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास साइन इनवर्स 0.75। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 48 के आसपास होता है, ठीक है ना, तो 48.6 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। आपतन कोण का मान कितना जाएगा 48.6 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, न्यूनतम विचलन मिनिमम डेविएशन, तो आई की वैल्यू यहां पे पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 48.6 इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस ए अपॉन में टू, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आप लोगों के पास जो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आएगी वो कितना जाएगी 2 इंटू 48.6 माइनस ए, और ए की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 60 डिग्री है कि नहीं है, अगली बात में। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा सॉल्व करने पर, तो ये आपके पास आना चाहिए 37.2 डिग्री के आसपास आंसर आएगा आप लोगों के पास, करके देखो इसको एक बार, ये याद आएगा 37.2 डिग्री आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपन लोगों के पास प्रिज्म रिफ्रेक्शन थ्रू है प्रिज्म, या फिर अगर मैं बात करूं कि प्रिज्म के थ्रू जो अपन लोग लाइट का डेविएशन करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश की किरण का विचलन करते हैं, ठीक है ना, तो अपन लोगों को ये दो तीन फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने देखना, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने, एक फॉर्मूला आपको याद रखना एन टू वन इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, और एक फॉर्मूला आप लोगों को डेल्टा मिनिमम इक्वल टू एन टू वन माइनस वन इन टू ए, एक ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना, ठीक। अब आपको पता ही है तो स्नेल लॉ ही होता है, तो ये एक तरीके से किसके इक्वल होता है आई के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है आप लोगों के पास आर के इक्वल होता है, नहीं होता है, तभी तो अपन लोगों के पास स्नेल का नियम था, याद करो एन टू अपॉन में एन वन इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, और याद करो अपन लोगों ने आई की वैल्यू यही निकाली थी न्यूनतम विचलन के लिए फॉर मिनिमम डेविएशन, आई इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, और आर इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आया था ए बाई टू, तो आप लोगों को बस यही फॉर्मूला अच्छे से याद रखने, ठीक है ना। अब इसको अपन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली अपन लोगों को क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे, आई नहीं आई बस में, देखो बेटा इसको एक बार।